हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन सेक्ट के लोगों ने सारे स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था, उन सबको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर डेमन सेक्ट के लोग ने अपनी पावर यूज करके उन्हें जाल में फंसा लिया था। तभी एक डेमन सेक्ट का सेना उस सभी स्टूडेंट को मारने जाता है, वहाँ पे लिनफेंग आ जाता है और उसे रोक देता है। लिनफेंग को देखकर वो सैनिक पूछता है कि तू है कौन। लिनफेंग को देख के किंग यू भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पे कैसे आया। लिनफेंग उस सैनिक को पीछे धकल देता है और पूछता है कि तुम सब ठीक हो क्या नहीं। फिर मेडिसिन वैलिक सेट का एक स्टूडेंट कहता है कि हम सब ठीक है और हम सबकी जान बचाने के लिए थैंक यू। लिनफेंग कहता है कि डेमन्स लोग को मारना हमारा काम है। ये सुनकर किंग यू कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, चल देखते हैं कि तेरे अंदर वो पावर है क्या नहीं हम सबको मारने का। ये कहकर अपने सैनिक को भेज देता है उसे मारने के लिए। हम देखते हैं कि लिनफेंग उस सैनिक को बराबर का टक्कर दे रहा होता है। ये देखकर किंग यू सोचता है कि इसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो सारे स्टूडेंट भी कहने लगते हैं कि ये भी बहुत अच्छे से लड़ लेता है। फिर लिनफेंग उसे हरा देता है और उसकी स्वॉर्ड भी ले देता है। किंग यू उससे लड़ने आता है और लिनफेंग किंग यू को भी बराबर की टक्कर दे रहा होता है। लिनफेंग को इस तरह लड़ते हुए देखकर किंग यू सोचता है कि कल्टीवेशन लेवल इससे बहुत ज्यादा है, पर ये मेरे सारे अटैक को रोक ले रहा है और रिपीट में अटैक कर रहा है। ये लड़ने की तरीका बहुत ज्यादा औसम है और इसको स्वॉर्ड चलाना किसने सिखाया होगा। लिनफेंग भी सोचता है कि मैं इससे इतनी जल्दी हार नहीं सकता क्योंकि टीचर लिन ताओ ने मुझे सिखाया है स्वॉर्ड चलाना, उन्हें बताया है कि इस तरह मेरे को स्वॉर्ड चलाना। किंग यू अपने सैनिकों से कहता है कि तुम सभी लोग लिनफेंग को संभालो, मैं उन सारे स्टूडेंट को मार के आता हूँ। वो उन सारे स्टूडेंट को मारने चले जाता है। लिनफेंग उसे रोकने जाता है पर वहाँ पे उसके सैनिक आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट कमजोर हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब वो बच नहीं पाएंगे। फिर लिनफेंग उन सभी को कहता है कि तुम लोग सब डरो मत क्योंकि एल्डर गाउंगशुन और सीनियर जोंगक्यू दोनों जन यहीं पे आ रहे, लोग सब हमसे कुछ ही दूरी पे है, तुम सबको इन लोग को सिर्फ रोकना होगा कुछ देर के लिए। ये सुनकर स्वॉर्ड्समैन सेका स्टूडेंट कहता है कि हम इन्हें रोक लेंगे तब एल्डर गाउंगशुन आके इन सबको खत्म कर देगा। फिर वो सभी लोग उनसे लड़ने लगते हैं। किंग यू भी सोचता है कि अगर ओल्ड मैन गाउंगशुन यहाँ पे आ गया तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन्हें खत्म करके जाना होगा। फिर किंग यू उन सारे स्टूडेंट को मारने जाता है पर तभी वहाँ से एक स्वॉर्ड आती है। फिर हमारी युनशेंग का एंट्री होती है और कहती है कि मेरी टीचर जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएगी, तुम सबको खत्म कर देगा। ये सुनकर किंग यू सोचता है कि अगर मैं इधर लड़ते रहा तो वो सभी आके मुझे मार देंगे, तो फिर अपने सारे सैनिकों को कहता है कि हमें वापस जाना होगा। वो सभी लोग लड़ाई को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। हमें किंग यू और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एक साथी कहता है कि तूने हम सबको उनसे लड़ने से क्यों रोका। ये भी हो सकता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा हो और वो उसी सेक्ट से ना हो, जो उसने कहा वो झूठ भी हो सकता है ना, और कहता है कि वो लड़की भी झूठ बोल रही होगी, वो भी जोंगक्यू की स्टूडेंट नहीं हो सकती है। किंग यू कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो स्वॉर्ड सेक्ट से नहीं है पर वो वु विलेज से है जहाँ पे मैं उसे खत्म ही करने वाला था पर गोंगसुन आके उसे बचा लिया था, और वो लड़की मोक्सी स्वॉर्ड टेक्निक जानती है चलाना और ये टेक्निक सिर्फ जोंगक्यू के स्टूडेंट्स को आता है। फिर वही आदमी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानता हूँ कि तू गोंगसुन से लड़ा है इस वजह से तू डर गया, पर हम सब उन लोगों को आसानी से मार देते हैं और फिर जाते हैं। ये सुनकर किंग यू कहता है कि मैं तुम सबका बॉस हूँ तो तू मुझे ऑर्डर मत दे, मैं तुझे ऑर्डर दूंगा। कहता है कि हमें यहाँ से अभी चलना होगा। फिर वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मेडिसिन वैली और सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे मेडिसिन वैली का स्टूडेंट सभी को ठीक कर रहा होता है अपनी दवाई से। फिर वो लिनफेंग के पास जाता है और उसको थैंक्स कहता है उनकी जान बचाने के लिए और अपना नाम बताता है जो ली होंग नाम है उसका। लिनफेंग उन सभी से कहता है कि हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये सुनकर स्वॉर्ड का स्टूडेंट कहता है कि अभी तो तूने कहा था कि गोंगसुन यहीं पे आ रहे और अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो हमें कहाँ ढूंढेंगे। लिनफेंग कहता है कि मैं उन सभी को डराने के लिए और भागने के लिए कहा था जिससे वो डर के मारे भाग जाए, और युनशेंग भी कहती है कि मैंने भी झूठ कहा था, जोंगक्यू टीचर यहाँ पे नहीं आ रहे अभी। ये सुनकर स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट कहता है कि तुम सभी लोग ने अच्छी तरह से उन सबको बेवकूफ बनाया। फिर वे सभी लोग एक एक करके अपना नाम बताने लगते लिनफेंग को। लिनफेंग सोचता है कि मैं डेमन सेट के लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा और उनको कैसे भी करके रोक के रखूंगा। लिनफेंग उन सभी से पूछता कि तुम सभी लोग डेमन सेक्ट के जाल में कैसे फंस गए। लियू होंग कहता है कि हम लोग को खुफिया मैसेज आया था कि लुजियन सिटी को डेमन सेक्ट ने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे देखने आए थे कि ये बात सच है क्या नहीं। हम सभी लोग आधी रात में आए थे जिससे डेमन सेक्ट के लोगों को पता ना चले, पर उन सबको पता चल गया और उन्होंने हम सबको पकड़ लिया था। और लियू होंग कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करना है कि डेमन सेक्ट के लोगों ने इस लुजियन सिटी को ब्लॉक क्यों किया है। कहता है कि हमने मैसेज भेज दिया
किया है जो सारे सीनियर और एल्डर यहीं पे आ जाएंगे। रियो होंग कहता है कि हमें जल्द से जल्द टीजीएम माउंटेन में जाना होगा क्योंकि सारे एल्डर और टीचर्स वहीं पे होंगे। लिनफेंग पूछता है कि हमें वहां पे जाने में कितना समय लगेगा। रियो होंग कहता है कि हमें 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे, पर उसके पहले मुझे जानना है कि डेमन सेट के लोगों ने ऐसा क्यों किया, का मकसद क्या है। लिनफेंग कहता है कि मुझे पता है उन लोग सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी सुनरुई कहता है कि जब तेरे को पता है तो हम सबको भी बताना कि लुजियन सिटी को उन सभी लोग ने ब्लॉक क्यों किया है। फिर लिनफेंग उन सभी को बताने लगता है, पर युनशेन उसको रोक देती है और साइड में लेके आती है और कहती है कि युनशेन लिनफेंग को कहती है अगर हमने इनको ये बात बता दिया तो ये बात लीक हो सकती है और सबको पता चल सकता है, जिससे डेंगू डायनेसिटी पे और ज्यादा खतरा आ जाएगा। फिर लिनफेंग डिसाइड करता है कि उन सभी को नहीं बताएगा ये बात। फिर उन सभी को कहता है कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, हमें यहाँ से सबसे पहले निकलना होगा। तुन कहता है कि तू हम पे विश्वास नहीं करता है क्या। लिनफेंग कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। फिर लू हाओ कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा, और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। युनशेन लू हाओ की स्वॉर्ड देख के उसकी स्वॉर्ड की तारीफ करती है। वो युनशेन को बताता है कि ये स्वॉर्ड मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। तभी ली होंग युनशेन को कहता है कि जब भी तेरे को मेडिसिन वैली में जाना होगा तो मुझे कह देना, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन लेके आऊंगा। फिर सुन भी कहता है कि अगर तेरे को कहानी सुनना बहुत पसंद है तो मेरे को बहुत सारी कहानी पता है, मैं तुझे सुना भी सकता हूँ। ये सुनकर युनशेन कहती है हाँ जरूर जरूर, मेरे को सुनने बहुत कहानी अच्छा लगता है मुझे सुनने में। सुन युनशेन को कहानी सुनाने लगता है, जिसको देख कर लू हाओ अपने मन में सोचता है कि ये सुन किसी से बातचीत भी नहीं करता था, पर आज ये युनशेन से कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा है। सुन युनशेन के टीचर के बचपन के बारे में बताने लगता है, जिसको सुनकर युनशेन कहती कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। युनशेन और सुन को इतने करीब देख कर लू हाओ और लियो दोनों कहने लगते है कि ये सुन कितना चालाक है, उस युनशेन को फंसाने के लिए अपने करीब कर रहा है। लिनफेंग भी उनको देख रहा होता है, जिससे उसको अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। तभी लू हाओ लिनफेंग से पूछते है तो कौन से सेक्स से बिलोंग करता है। फिर लिनफेंग कहता है कि मैं कोई सेक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये सुनकर सुन कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी अच्छी है और तुम इतने यंग हो, पर तुम कहते हो कि तुम कोई सेक्स से बिलोंग नहीं करते हो, तो तुम्हें इतने सारी पावर कहाँ से मिली। लू हाओ सुन को कहता है कि ये हम सबको नहीं बताना चाहता होगा। तभी सुन कहता है कि इसने हमारी जान बचाई, पर इसको हम सबको बताना होगा कि ये है कौन। तभी लिन भी कहता है कि हाँ ये बात सही बोल रहा है, इसको बताना होगा क्योंकि हम लोग तिनसिंग माउंटेन जा रहे हैं, और अगर ये डेमन सेक्ट करा तो उस हमारे लिए खतरा रहेगा। फिर सारे स्टूडेंट उसको फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि लिन अपने बारे में हम सबको बता दो। लिनफेंग कहते हैं कि मैं तुम सबको कह रहा हूँ ना, मैं कोई सेक्स से बिलोंग नहीं करता, मैं एक सिंपल विलेज में रहता हूँ और मैंने वहीं पे कल्टीवेशन किया था। सुन कहते हैं कि हम सबको बेवकूफ मत बना, हम जानते हैं कि तू कोई सेक्स से तो बिलोंग करता ही होगा क्योंकि तेरी कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम तक है, तू इतने लेवल तक कैसे पहुंचा। तभी युनशेन लिनफेंग के पास आती है और सभी को कहती है कि लिनफेंग सही बोल रहा है और उसने मेरी और तुम सबकी जान बचाई, तो लिनफेंग हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है, और डेमन सेक्ट के लोगों की बातें मैं भी सुनी, जिससे मुझे भी पता है कि डेमन सेक्ट के लोग क्या चाहते हैं। सुन युनशेन को कहता है कि ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, तू इसके बातों में मत आ। युनशेन कहती है इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। सुन कहता है कि मैं तेरे बातों पे विश्वास करता हूँ, पर लिनफेंग पे विश्वास नहीं कर सकता मैं। ये सुनकर युनशेन कहती है अगर तू हम पे विश्वास नहीं करता है तो हम सब यहाँ से चले जाते, और लिनफेंग को वो लेके जाने लगती है। लिनफेंग युनशेन को रोक देता है और कहता है सभी को कि तुम लोग मेरे पे विश्वास करोगे क्या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं, पर मुझे जल्द से जल्द टीचर के पास जाके ये सारी बातें डेमन के बारे में बताना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी बैठी रहती है, तो वहाँ पे एल्डर ताई भी रहता है। एल्डर ताई उस लेडी को कहता है कि हम लोग अपने प्लान में जल्द से जल्द कामयाब हो जाएंगे और डेमन लॉर्ड को फिर से आजाद कर देंगे। और यहीं पे इसका फर्स्ट सीजन खत्म होता है।